जिला परिषद के चुनाव के बाद गुरुवार को हुई पहली साधारण सभा की बैठक। जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जनप्रतिनिधियों ने ली जल शक्ति अभियान के तहत पानी बचाने की शपथ। मोहन वॉच एंड मोबाइल। अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिला परिषद में हुए चुनावों के बाद गुरुवार को पहली साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा की अध्यक्षता में जिला परिषद के सभागार में संपन्न हुई। साधारण सभा की पहली बैठक में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत, विधायक ब्यावर शंकर सिंह रावत, विधायक किशनगढ़ सुरेश टांक, विधायक मसूदा राकेश पारिक सहित जिला परिषद सदस्य, प्रधान, जनप्रतिनिधि, संबंधित पांचों विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों सहित पानी, बिजली, मनरेगा, पीएम आवास योजना, चिकित्सा, सड़क व अन्य योजनाओं के तहत किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। इस मौके पर जल शक्ति अभियान के तहत सभी को पानी बचाने की शपथ दिलाई गई। जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा ने बताया कि आज साधारण सभा की बैठक की सभी जनप्रतिनिधियों और सदस्यों व अधिकारियों के बीच आपसी जान पहचान के बाद पानी, बिजली, मनरेगा जैसे मुद्दों पर ग्रामीण अंचलों में हो रही परेशानी को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर गांव के विकास के लिए संकल्पित हों, ऐसा आह्वान भी किया है। आज हमारी जिला परिषद के जिला प्रमुख बनने के बाद में विधानसभा चल रही थी बीच में, इसलिए आज हमारी साधारण सभा हुई है। इसमें सभी 32 सदस्य पधारे हुए, सारे जिला स्तर के अधिकारी आए, कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब, एसओ साहब सभी पधारे हैं। इसमें समस्या का ज़्यादा से ज़्यादा पानी का मुद्दा उठा है, रोड का मुद्दा उठा है, अधिकारियों ने जवाब दिया है सदस्यों का। हमने यही कहा है कि भाई अधिकारियों को यही कहा कि अगली मीटिंग में आप तैयारी के साथ आना, और जो भी है जिला परिषद के माध्यम से जिला परिषद को भी जो भी है सूचना दे, और जो भी काम करे जिला परिषद, जिला स्तर के अधिकारी और जनप्रतिनिधि खड़ी है पंचायत राज की, मिलकर काम करेंगे तभी हमारा जिला का विकास होगा, गाँव का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना यह संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।